और एक नेचुरोपैथी ही ऐसा मार्ग है जो इंसान को सच्चा इंसान बना सके। ठीक 8 साल पहले मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैं रोबोट की तरह चलती थी। मेरा वज़न था 85 kg और पेट इतना बड़ा, तो ये जायज़ है कि जब वज़न ज़्यादा होता है तो इंसान को कई बीमारियाँ आ जाती है। सच पूछो तो इंसान का दुश्मन केवल वज़न है और कोई नहीं। जब वज़न बढ़ता है तो एक के बाद एक बीमारी आने लगती है। वैसे मुझे भी सीवियर माइग्रेन, स्पॉन्डिलाइजिस, फ्रोजन शोल्डर, एक एक्सीडेंट में गिरने की वजह से L4, L5 में गैप, लास्ट स्पाइन में क्रैक, साइटिका, चलूँ तो घुटनों में टिक टिक आवाज़ आती थी, हड्डियों में पानी भर जाता था, लिगामेंट्स बार बार क्रैक हो जाते थे, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, D3, B12 सब कुछ कम। सोचो कितनी गोलियां लेती होंगी। दिन की 40 टैबलेट लेती थी मैं, रात को सोने के लिए भी मुझे ट्राई का 0.5 लेनी पड़ती थी, खाने से पहले डायोवन लेनी पड़ती थी क्योंकि पूरे बॉडी में खुजली आती थी। पूरे शरीर को मैंने दवाइयों का घर बना दिया था और इसके साइड इफ़ेक्ट में मुझे स्किन डिसीज़ यानी हाथों में और इंटरनल पार्ट में सब जगह कट्स हो गए थे। आज कुछ भी नहीं है, आज नहीं कब के नहीं है। तो इसी भोजन प्रथा से मैं खड़ी हुई हूँ। शुरुआत मेरी हुई थी जब तब वापी टुकवाड़ा के सेमिनार से, और वहाँ पे मैंने सीधे ही उपवास पे जोर दिया। यानी चौहान साहब ने मुझे बताया कि आपका रास्ता एक ही है, अगर आपको खड़ा होना है, डालना बंद निकालना शुरू। बस इस बात को मैंने पकड़ लिया और उसी क्षण से मैंने पानी भी बंद कर दिया और केवल दिन में 3 बार एनीमा। 3.5 दिन के निर्जल बाद रात को मैं आधा घंटा गरबा खेली। अब सोचिए ताकत किस में है, भोजन में या उपवास में। जबकि मैं शिविर में गई थी तब मेरी मम्मी और बड़ी दीदी मुझे लेके मेरा ख्याल रखने के लिए साथ में चले थे। तब मेरे साथ वॉकर था, मैं बिना वॉकर के नहीं चल सकती थी, मेरा बैलेंस ही नहीं रहता था, इतना बॉडी स्टिफ हो गया था। फिर 3.5 दिन के बाद जब इतना सा अंगूर का रस, उस टाइम अंगूर का शिविर था केवल अंगूर पे, तो चौहान साहब ने मुझे आधा गिलास अंगूर का रस दिया और कहा इसको पीने में कम से कम 10-15 मिनट करना, इसको चबा चबा के पीना। और उसके बाद मुझे मेरा रास्ता पता चल गया। ठीक 45 डेज से 50 डेज तक मैंने केवल अंगूर का रसाहार किया, 1 दिन निर्जल उपवास और 1 दिन रसाहार। जितनी कठिन तपश्चर्या उतना जल्दी रिजल्ट। 7वें ही दिन मैंने कॉलेज में दिया हुआ परफॉर्मेंस, शिविर के हर रात में जब लंबी शिविर होती है तो गरबे होते हैं, तो वहाँ कैसेट बजी और मैं कब खेलने लगी मुझे पता ही नहीं चला। और 7वें दिन तो कैसेट के बजने के बाद सीधा ये सत्यम शिवम सुंदरम का सॉन्ग चला, जो मैंने कॉलेज में और स्कूल में परफॉर्मेंस दिया था, वो अपने आप ही हो गया। मेरे नी तो मुड़ते ही नहीं थे। डॉक्टर ने तो कहा था कि अगर ऐसा हाल रहा तो आपको नी रिप्लेसमेंट करवाने पड़ेंगे, लेकिन कल आपने भी देखा कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं आसानी से कोई भी डांस कर सकती हूँ। कहाँ से आया ये सब, जबकि मुझे तो साथ में वॉकर था। सब डॉक्टर ने कहा था कि
अब तू जब तक जिंदा रहेगी तुझे सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि तेरे बॉडी में नेचुरल कैल्शियम बनता ही नहीं है। मेरा कैल्शियम लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका था सेकेंड डिलीवरी के बाद, वो केवल और केवल ये कच्चे आहार पे रहने से मेरे सारे रिपोर्ट्स बदल गए। 50 दिन के बाद मैंने फिर अलग अलग ज्यूसिस, उसके बाद ज्यूसिस और उसके साथ फल लेना शुरू किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे ककड़ी, टमाटर ये सब लेना शुरू किया। यानी टोटल रॉ पे मैं ठीक 4.5 महीना रही। मैंने मुरमुरे का एक बूंद भी, एक दाना भी नहीं लिया और एक बूंद भी मैंने बाहर का कुछ पेट में नहीं डाला था। 4.5 महीने कंप्लीट हुए और फिर मैंने अपने रिपोर्ट्स करवाए तो सच में डॉक्टर दीपेश शाह, जो हमारे गुरुकुल में फिजिशियन है, उनको जब मैंने अपने रिपोर्ट दिखाए तो वो तो बोले ये रिपोर्ट गलत है, तुम कहीं और करवाओ। मैंने क्रॉस चेकिंग 2 लैब में करवाया लेकिन रिपोर्ट वही के वही। फिर डॉक्टर ने कहा अब तेरे रिपोर्ट सही लग रहे हैं, तू जिस कंपनी की दवाई खाती है वो चालू रख। मैंने बोला सर पहले मुझे लिख के दो कि मैं 100% ठीक हूँ और अब मुझे कोई दवाई की या किसी की ज़रूरत नहीं है। वो बोले दवाई की ज़रूरत तो रहेगी, तभी तो तुम्हारे ऐसे रिपोर्ट्स आए। मैंने बोला सर पहले आप लिख तो दो फिर मैं आपको बताती हूँ। तब मैंने चौहान साहब का एक पैम्पलेट उनके हाथ में दिया और कहा कि शाम को घर पे जाके खाना खाने के बाद पढ़ना। मैंने ये सब किया है, फिर आप मुझे बताना कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो घर पे गए, खाने भी नहीं बैठे, फ्रेश होके तुरंत उन्होंने पढ़ा और सामने से फ़ोन आया, तू ये करती है? मैंने बोला हाँ सर। तो बोले दवाई कौन सी कंपनी की लेती है? मैंने बोला सर दवाई मैंने नहीं ली है, 4.5 महीने हुए, एक भी टैबलेट नहीं ली है मैंने। बोले इतने अच्छे रिपोर्ट्स तो मैं बिलीव ही नहीं कर सकता, सच पूछो तो सबको ये करना चाहिए। अगर इंसान को इतना पता चल जाए कि आहार ही औषध है तो हम जैसे डॉक्टरों की छुट्टी हो जाएगी। खुद डॉक्टर ऐसे हंसते थे मुझ पे कि अपने तक सीमित रखना वरना तू मेरा धंधा चौपट कर देगी, लेकिन मैंने तो ये ठान ली थी कि जिसने मुझे खड़ा किया है बस उसको मुझे बांटना है। और मैं चल पड़ी चौहान साहब के साथ साथ, जहाँ भी वो जाते मैं जाने लगी और वहीं से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हुआ। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ करूं, जबकि जिंदगी का आखिरी गोल इंसान का क्या होता है? प्रभु प्राप्ति। तो आखिरी उम्र में हर कोई नहीं दौड़ पाता है। हम सोचते हैं कि हम कुछ भी सेवा करना चाहे तो हम सोचते हैं कि अभी नहीं, बच्चे बड़े हो जाएंगे बाद में करेंगे, फिर बच्चे बड़े हो जाए तो सोचते इसकी शादी हो जाए फिर करेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आती जब हम घर से छूट सके, क्योंकि एक के बाद एक जिम्मेदारी आती ही रहती है। तो क्यों ना हम क्षण को पकड़ ले। और जो इंसान क्षण को चूक गया, समझो वो ट्रेन चूक गया, उसकी ज़िंदगी की ट्रेन चली जाती है लेकिन वो अपना गोल कभी पूरा नहीं कर सकता है। सिर्फ सोचता है लेकिन कर नहीं सकता है। करना है आज से, अभी से, इसी क्षण से। बस वहीं से मैंने अपना जीवन ये प्रथा के प्रति और मानव सेवा के प्रति समर्पित कर दिया और आज आपके सामने हूँ। जो भी हूँ, मैं चौहान साहब की शिष्या हूँ। कभी कभी भूल हो भी जाती है क्योंकि हम तो आखिर में तो
छोटे ही है, तो जो कुछ भी मेरा कहना था कि ये सिस्टम पे आप इतना विश्वास और श्रद्धा रखना कि आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कभी रिज़ल्ट नहीं मिलता है, केवल हमें जिस सिस्टम को हम फॉलो करें उस पे समर्पित होना पड़ता है और श्रद्धा रख के उसमें आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ पे मुझे लाने वाले पूज्य रमेश भाऊ है, हम लोग सूरत के सेमिनार में मिले थे और वहाँ से उन्होंने मुझे भोपाल का दर्शन करवाया। जब मैं पहली बार इधर आई, मैंने पूज्य भाऊ जी की इधर सेवाएं देखी, मैं इतनी अभिभूत हो गई। मैंने सोचा मैं जिस चीज़ को ढूंढ रही थी वो मुझे यहाँ मिल गई, क्योंकि इंसान चाहता है कि धरती पे स्वर्ग उतर आए। तो मैंने ऐसी भाऊ जी की सेवाएं देखी कि हम सबको यही कहते हैं कि जिसने स्वर्ग नहीं देखा बस भोपाल चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे ही ऐसी मानव सेवा होती है कि जिसको देख के हमारे मन के विचार भी बदल जाते हैं। भाऊ जी की इतनी अखूट सेवाएं और बिना स्वार्थ के, तो अपने आप सर झुक जाता है उनके चरणों में। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं अपने मायके आई हूँ। सही बात। इतना सुकून मिलता है मुझे यहाँ पे आके कि मैं दुनिया की हर बात भूल जाती हूँ। हम भी संसारी हैं, घर में रहते हैं तो छोटे बड़े चढ़ाव उतार तो आते ही है, लेकिन यहाँ पे जब हम आते हैं तब सब कुछ भूल जाते हैं और ऐसा ही लगता है कि जैसे परमात्मा की नगरी में हम आ गए हैं। और यहाँ पे जो कुछ भी आपको दिखाने ले चले उनको आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि उनकी एक एक चीज़ में इतनी मानवता आपको दिखाई देगी कि आपने शायद कहीं सुना भी नहीं होगा। ये अविरत सेवाएं जो चलती है वो परम पूज्य भाऊ जी के अनुसार, वो जो भी कहते हैं या सोचते हैं उनके अनुसार यहाँ पे सारी सेवाएं चलती है। और इसमें जो भी वॉलंटियर जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग हैं, उनका काफ़ी बड़ा परिसर है, स्कूल भी है, हॉस्पिटल्स भी है, वृद्धाश्रम भी है, लेकिन यहाँ पे आप जो देखोगे कि खास बेटियों के लिए जो व्यवस्था की गई है, शायद बेटी को इतना मान सम्मान और कोई नहीं दे सकता सिवाय भाऊ जी के। तो बेटी को जितना दिया जाए मान सम्मान हाँ, कम होता है। हाँ, इसलिए अब ऐसा बोल के मेरे को शर्मिंदा नहीं करिए। लेकिन मैंने जो देखा वही तो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे पूज्य हीरूभाव जी है, पूज्य अर्जुन जी, रमेश जी, लता तेवानी जी, यहाँ पे जो भी लोग हैं इतने पूजनीय है कि हम सबको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे। सच पूछो तो ये लोग ने अपनी जान लड़ा दी है इसमें, इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाने में और इस आरोग्य केंद्र को इतना बड़ा बनाने में। पूज्य गुलाब सर जी, जिन्होंने यहाँ का मैनेजमेंट किया है, सच कहिए तो आपको ऐसा मैनेजमेंट क्या कहीं और कोई भी शिविर में या कहीं भी जाते हो कहीं मिलता है आपको? नहीं। इतना प्यार यहाँ पे जो भी लोग हैं आपको कितना प्यार देते हैं, अगर हम इनके जितने भी शुक्रिया अदा करें कम है, क्योंकि यहाँ सब लोगों की भावना ही इतनी ऊंची है कि जो भी आए बस अपना है और हमें इसे ठीक करके भेजना है। तो इन लोगों की ऑरा हमें ठीक करके यहाँ से भेजती है। यहाँ से हम काफ़ी कुछ सीख के जाते हैं जब भी आते हैं, तो हर इंसान से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। बस यहीं तक हम अगर सोच के बैठे रहेंगे
कि नहीं नहीं हम यहाँ से जाएंगे, अभी तो दिवाली आ रही है, खा पी ले फिर करेंगे, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। फिर तो हिंदुस्तान की कोर्ट की तरह सिर्फ तारीखें पड़ेगी, यहाँ तक कि वकील भी बदल जाते हैं, जज भी बदल जाते हैं, फिर भी उसका निर्णय नहीं आता है। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें मजबूत होना है। यहाँ से हमें यही सीख के जाना है कि जो भी करना है इसी क्षण से, परिवर्तन के लिए क्षण काफ़ी है, और ये क्षण क्यों न यही हो कि हम यहाँ से ही कुछ लेके जाएं। तो आज हम लोग जाएंगे और आपको, हमने गलती से कुछ भूल कर दी हो कुछ कहने में तो हमें माफ़ कर देना, आपकी छोटी बहन समझकर। सबको प्रणाम, हरिओम। बहुत बहुत आभार इतने अच्छे वचनों के लिए, इतनी अच्छी सोच के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए। एक आइडियल पर्सन जिसने नेचुरोपैथी या NDS के न्यू डाइट सिस्टम के सिद्धांतों को सिर्फ सुना नहीं है, प्रैक्टिकलिटी में इम्प्लीमेंट किया है। जैसे एक हाथ से दूसरा हाथ जुड़ता है, आपने देखा रमेश भाऊ जी के ने धरती बहन को यहाँ तक पहुँचाया, और धरती बहन हमारे लिए एक और अमूल्य रत्न यहाँ से लेके आई हैं, अहमदाबाद से ही वर्दी भाई जी ठक्कर। इनका नाम ही काफ़ी है, ये कहना पर्याप्त है, पर फिर भी मैं बताना चाहूँगी, पिछले 40 सालों से हैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर, जैसे कि उन्होंने मुझे बताया, पर नेचुरोपैथी में जूसेस के ऊपर किस तरीके से किस डोज में देना चाहिए, हम सिर्फ ये सुनते हैं कि हमको जूसेस लेना है, पर उसका डोज कितना होना चाहिए, आहार की मात्रा कब होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कितना इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और कितना इन्होंने प्रैक्टिकलिटी में किया है। बोलते हैं ना, उम्र कुछ नहीं होती, हम अपने दिमाग से अपने दिल से जवान होते हैं। तो ये उनका जोश है, उनका जुनून है इस पैथी के लिए, जैसा इन्होंने मुझे बताया। कल हम लोगों का सेशन था वर्दी भाई जी के साथ, तो इन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर से हम एंटासिड एक या दो लेते हैं, एक स्ट्रिप लेते हैं या दो स्ट्रिप लेते हैं, पर भाई जी जब मेडिकल स्टोर पे जाते थे तो वो पूरा का पूरा जो पैकेट होता है 50 वाला वो लेते थे। इतने सारे मेडिसिन उन्होंने लिए हैं, उसके बाद उनके अंदर से ये जिज्ञासा हुई कि आखिर कब तक, जैसे हम सभी सोचते हैं आज के टाइम में कि आखिर कब तक ये दवाइयाँ। फिर उनको ईश्वर की तरफ से ये रास्ता मिला, उनके गुरुजनों की तरफ से ये रास्ता मिला। तो अब मैं वर्दी भाई जी ठक्कर से अनुरोध करूंगी कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें और अपने अनुभवों से हम सबको सराबोर करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए वर्दी भाई जी ठक्कर का। आदरणीय संतरी हृदय राम जी के चरणों में सादर नमस्कार। ओम परमात्मा ने नमः। यहाँ मैं इस भोपाल नगरी में पहली बार आ रहा हूँ। मुझे इस संत की भूमि, इस पावन भूमि के दर्शन की बहुत अपेक्षा थी। इनके बारे में बहुत कुछ मैंने सुना था, तो प्रत्यक्ष देखने के लिए, इस कारोबार को समझने के लिए मेरा यहाँ आना हुआ। जो सोचा था उससे कहीं अधिक मैंने यहाँ पर देखा पाया। तो ऐसे इस संत भूमि में जिन्होंने जो सारा कारोबार खड़ा किया, उन सभी के चरणों में नमस्कार। मुझे बताया गया कि मैं इस प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर कैसे प्रविष्ट हुआ। बात बहुत पुरानी है, बहुत कम लोगों को पता है कि बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। मेरा सारा कारोबार विदेश में था उस जमाने में, लेकिन विदेश जाने से पहले करीब 10 साल से
मेरी शारीरिक स्वस्थता ठीक नहीं थी, मुझे अल्सर और हाइपर एसिडिटी हुआ करती थी। अल्सर भी ऐसी जगह था कि जिसका इलाज बहुत कठिन था। ड्यूओडेनम अल्सर था मुझे, हमारे स्टमक यानी हुजरी से आगे वाला हिस्सा, छोटी आंत की जहाँ शुरुआत होती है वो जंक्शन के पास था। उस वक़्त उस ज़माने में जितनी भी इलाज, जितने भी उपाय उपलब्ध थे, आमतया लोग एलोपैथी में ज़्यादा जाते हैं, तो मैंने, मेरी एक मुँह बोली बहन थी, वो कॉलेज की प्राध्यापिका थी, उसके कारण मुझे बहुत सारे डॉक्टरों से परिचय हुआ था और उन लोगों की जो भी प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ मिलती थी इसका मैं सेवन करता था, उससे मुझे टेम्पररी रिलीफ मिलती थी, लेकिन मैं कभी स्वस्थ नहीं हुआ था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते हमें जितनी भी साइटें हमारी चलती, वहाँ सुबह 8 बजे निकल जाना पड़ता, शाम को 7-8 बजे घर आते, दिन में जहाँ जो भी खाना मिलता वो खाते पीते और अपना गुजारा चलाते थे। खाने का बड़ा शौकीन भी था, आज पता चलता है कि वो शौक कहाँ तक आदमी को ले जाता है। ये सारी दुनिया चलती रहती थी, उस वक़्त एक ही मकसद था, बस पैसे कमाना और सुख साहेबी भोगना, यही जीवन का उस वक़्त मकसद था और कुछ नहीं था। मुझे विदेश जाना हुआ, वहाँ भी जहाँ पर मैं गया था उस वक़्त, उस ज़माने में सारा विश्व उस कंट्री की तरफ जुड़ा हुआ था। मैं ईरान में था, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, सब लोग वहाँ आना चाहते थे। कहाँ, वहाँ इतना डेवलपमेंट हो रहा था और इतनी सारी तगड़ी कमाई थी कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं, उतने लोग उस कंट्री की तरफ आ रहे थे। मैं भी वहाँ पहुँच गया और मेरा नसीब तो देखो, मुझे क्या नसीब ने यारी दी, वहाँ के एक साई फैमिली से मेरी मुलाकात हो गई और उस मुलाकात ने मुझे आर्थिक प्रगति के रूप में जोड़ दिया। वहाँ गया तो पूरा दिन रात ये मेहनत करता था और मेरी बीमारी बढ़ती जा रही थी, मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ जाने के बाद मैंने जितनी भी सारी लेटेस्ट ट्रीटमेंट थी, अमेरिकन डॉक्टर, फ्रेंच डॉक्टर, यूनानी दवाइयाँ, सभी की सारवार मैंने ले ली, लेकिन किसी से मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। और ये दर्द इतना खतरनाक होता था, जब कभी ये दर्द होता है तो ये भोगने वाले को पता चलता है कि पेट में कितनी असह्य वेदना होती है। इतना ही नहीं, रात को भी नींद में जागना पड़ता था और ये रात को भी मुझे मिसिस को जगाना पड़ता था और फ्रिज के अंदर ठंडा मीठा दूध हर वक्त रहता था। जब मैं कारोबार के लिए जाता था तो मेरे एक शोल्डर पे दूध का थर्मोस साथ में ही रखता था। गोलियां भी उस वक़्त उतनी काम नहीं करती थी, मुझे टेम्परेरी रिलीफ ये थोड़ा सा दूध देता था। रात को भी उठ करके मुझे दूध पीना पड़ता। 10 साल तक मैं एक भी रात ऐसी नहीं गई होगी कि मैं चैन से सोया हूँ। ये इतनी बीमारी कष्टदायक थी, मैं परेशान हो गया था। कभी कभी तो ऐसा गुस्सा भी आता था, चाकू लेके देख लूँ क्या तकलीफ है इसके अंदर, क्यों ऐसा दर्द होता था। इतना भी मैं कष्ट सहन करके थोड़ा पागल सा हो जाता था। बाद में लास्ट में मुझे वहाँ के एक फ्रेंच डॉक्टर ने दिखाया, वर्दी भाई आपका ये इलाज इस दवाई से होने का कोई संभावना दिखती नहीं है, बेटर ये है कि आप सर्जरी करवा लो। अब सर्जरी करवाने के लिए मैं, मेरी पत्नी, मेरी बच्ची वहाँ पर थे, तो मैंने बोला चलो इंडिया जाके क्यों नहीं करवाते। इंडिया वापस आया स्पेशल सर्जरी के लिए, तो वहाँ के जितने बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे उस ज़माने में, उनसे मिलकर सलाह मशवरा किया और मैंने ऑपरेशन की तारीख तय कर ली। उससे पहले मैंने आयुर्वेद, यूनानी, फ्रेंच पद्धति, अमेरिकन पद्धति, शिवाम्बू तक का प्रयोग भी मैंने कर चुका था, लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं था।
उस वक्त जब हमारे ऑपरेशन की डेट निश्चित हो चुकी तो हम जब अहमदाबाद में थे तो उस वक्त मेरे पुराने एक दोस्त से भेंट हो गई। उसने बोला, क्या बात है, क्या तकलीफ है तेरे को? उसने मेरी बात सुनी, बोले मैं तेरे को एक ऐसे सज्जन के पास ले जाता हूँ, वो तेरा इलाज करेगा, तू ठीक हो जाएगा। मैंने बोला, इतनी सारी पथियों का मैं उपयोग कर चुका हूँ, कोई पद्धति मैंने छोड़ी नहीं है, अब कौन सी पद्धति बाकी रह गई? बोले तो बस एक बार मेरे साथ चल बस। वो जिद पकड़ के बैठ गया। मैंने बोला, भाई तू कहता है तो मैं आऊँगा, लेकिन मेरी ऑपरेशन की तारीख तो निश्चित है, मैं इसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ, तू चल तो सही। तो मैंने बोला ठीक है। अहमदाबाद से थोड़ी दूरी पर साबरमती करके एक विस्तार है, वहाँ पर एक छोटे से कमरे में एक कुर्ता पैजामा पहना हुआ लंबे बाल वाला एक सज्जन बैठा था, उनसे मेरी भेंट करवाई। उनका नाम था प्रोफेसर VP गिदवाणी। इत्तेफाकन वो भी एक सिंधी साईं थे। आज यहाँ भी मैं जिस दरबार में खड़ा हूँ वो भी एक सिंधी संत के दरबार में ही हूँ। उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरी सारी कहानी सुनी, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपको ठीक होना है। मैंने बोला हाँ ठीक तो होना ही है, लेकिन किसी से ठीक नहीं हुआ। तो बोलता है 2 महीने में आपको मैं ठीक कर सकता हूँ बिना सर्जरी। मैंने बोला ठीक है, बताइए क्या करना है। मैंने उस वक्त जोश में आके बोल तो दिया। तो उसने सबसे पहले बताया कि आपको सबसे पहले ये दूध बंद करना पड़ेगा। मैं रोजाना 3 लीटर दूध कंज्यूम करता था मेरे इस दर्द को रोकने के लिए। दुनिया में जितनी भी पथियाँ मशहूर है, आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, सभी ने मेरे इस विचार को सहमति दी थी। एक पहला इंसान मेरे नज़र में आया जिन्होंने मुझे बोला कि आपको दूध बंद करना होगा। मेरे मुंह से एक एब्यूज वर्ड निकल गया। मैंने बोला, आप डॉक्टर हैं कि गधे हैं? सारी दुनिया कहती है कि दूध से तो मैं टिका हूँ, तब तक तो इतना साल मैंने निकाला है, अब दूध भी बंद कर दोगे तो मैं कहाँ चला जाऊँगा? उसके चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं आया, मेरी बात सुनकर वो हंस पड़े। उन्होंने मुझे बताया कि आप इंजीनियर हैं। मैंने बोला हाँ, तो थोड़ी बहुत केमिस्ट्री तो आपने भी पढ़ी होगी, तो आइए बैठिए मेरे पास। उन्होंने दूध का केमिस्ट्री का इक्वेशन रखा मेरे पास और उन्होंने मुझे समझाया कि ये इसका इक्वेशन है, दूध को केमिस्ट्री की भाषा में किस तरह पहचाना जाता है, हजम होकर के इसमें से क्या पैदा होता है ये तुम देखो। ये दूध में जो थोड़ी बहुत चिकनाई है वो आपके इस दर्द को थोड़े समय के लिए शांत करती है, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो एसिड प्रोड्यूस करती है और वो एसिड प्रोड्यूस करने के वजह आपकी एसिडिटी जीवन भर तक ख़त्म होने वाली नहीं है, जब तक आप दूध नहीं छोड़ोगे तब तक। और मेरी बात समझ में आई, उन्होंने मुझे साइंटिफिक तरीके से ये सारी बात समझाई, वो इक्वेशन को मैंने अच्छी तरह से देखा, समझ गया। और समझने के बाद मैंने मन में थोड़ा विचार किया कि भाई अभी ऑपरेशन को 10 दिन की देर है तो क्यों ना चलो ये प्रयोग किया जाए, क्या नुकसान है, क्या होगा इसके अंदर। घर आने के बाद मैंने सबसे पहला संकल्प कर दिया, दूध को मैंने बंद कर दिया और उन्होंने मुझे सब्स्टिट्यूट दिया था भाजी पत्ती में पालक। बस थोड़ी बहुत पालक मुझे हर वक्त खा लेनी है, कच्ची, ठीक है। तो मैंने शुरू किया, आप यकीन नहीं करेंगे, 7 दिन के बाद पहला दिन हुआ ऐसा कि जिस दिन मैं बिना कोई तकलीफ, बिना कोई कष्ट, चैन की नींद सोया। आज भी वो दिन मैं याद करता हूं। मुझे वो दिन याद आता है कि कष्ट से मैंने कैसे छुटकारा पाया। वो दिन याद आते ही मुझे वो कष्ट की कितनी यातना होती थी, मैं आज भी कांप उठता हूँ। लेकिन फिर मुझे इतना विश्वास हुआ कि इस आदमी में कोई दम जरूर है कि जो मेरा ये दर्द ठीक करेगा। दूसरे ही दिन मैं भागा भागा उनके उस घर तक पहुँच गया और वहाँ जाके मिला कि दवाई साहब आपने तो कमाल कर दिया, मुझे रात को नींद भी आने लगी है और मैं इस पेन से थोड़ा सुकून भी प्राप्त कर रहा हूँ, आगे आप बताइए आगे मुझे क्या करना है।
उन्होंने मुझे पूरी दिनचर्या बता दी। उस दिनचर्या का सारांश यह था, मुझे पूरे दिन भर में जितनी भाजी पत्ती और सब्जियां थी इसका विशेष में विशेष उसके मूलभूत स्वरूप में प्राकृतिक रूप में सेवन करना था। इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा काकड़ी मिलती, पालक मिलते, पत्ता गोभी मिलती, गाजर मिलता, सर्दियों की मौसम थी तो ये जितनी भी सब्जियां थी ये सब्जियां मैं भर पेट लेता था और थोड़े बहुत फल भी लेता था। खाना तो मेरा बहुत कम हो गया था, रोज़ाना 20-25 रोटी खाने वाला इंसान इतनी कम से कम आवश्यकता तक पहुंच गया मैं। ये प्रयोग मैंने शुरू किया, धीरे 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 मेरे दिन गुजरते गए, इस चीज़ को मैं डट के करने लगा। आप यकीन नहीं करेंगे, 2 महीने के अंदर मेरी सारी की सारी बीमारी कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं इतने शौक से, इतने आराम से, अभी तालियां तो बाद में बजेगी। कहाँ एक अजीब घटना मेरे साथ होती है वो अभी मैं आगे बताने जा रहा हूँ। 2 महीने में मेरी बीमारी तो ठीक हो गई, मेरे ऑपरेशन को भूल गया मैं, परिवार वाले भी खुश हो गए। अब मुझे वापस ईरान जाने का था इसलिए मैं मेरे दोस्त को लेकर के उस प्रोफेसर विद्वानी जी के पास गया। जहाँ गया था उस कमरे की आपको एक व्यवस्था बता दूँ, एक छोटा सा कमरा, उसके अंदर न बाथरूम था, न टॉयलेट था, न किचन था। आगे बरामदा था, थोड़ा शेड था, टॉयलेट पीछे था, बाथरूम भी पीछे था। वो एक छोटे से मकान में रहते थे। कल इत्तेफाकन हमें बाबूजी का और संत जी की कुटिया के दर्शन पर जाने का मौका मिला तो पीछे जो मैंने देखा उसी से भी कम सुविधा वाला, न उसके अंदर और भी कोई विशेष सुविधा नहीं थी, एक छोटा सा प्राइमस पड़ा था और बाकी बर्तनों में भी कुछ बर्तन भी नहीं थे। ये सारी चीज़ें मैंने देखी थी वहाँ पर। वहाँ मैं गया और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और उनको बताया कि आपके इस इलाज के बताए हुए इलाज से मैं आज पूर्णतया स्वस्थ हूँ, आपको क्या फीस देनी है ये पूछने के लिए मैं आया हूँ, आप बोलिए क्या फीस देनी है। उस ज़माने में मैं भौतिक सुख में और संपत्ति में इतना घमंड में था कि दुनिया में कोई भी चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है, ऐसा मेरा मानना था उस ज़माने में। उन्होंने मुझे बताया कि नहीं नहीं वर्दी भाई, आपको ठीक हो गया, मुझे बड़ी खुशी है। फिर भी मैंने बोला नहीं, आप अगर कुछ नहीं कहेंगे तो मैंने चेक साइन करके इनको दे दिया, आप इसमें जो रकम भरना चाहें आप भर सकते हैं। ये मेरा उस वक़्त का अपने घमंड का वाक्य था। आप यकीन नहीं करेंगे उन्होंने मुझे क्या कहा पता है, वर्दी भाई आपको ठीक हो गया, आपके चेहरे पर खुशी देखता हूँ, बस यही मेरी पूंजी है। बस इस शब्द सुनते ही मेरे पाँव के तले से धरती खिसक गई कि क्या दुनिया में ऐसे फकीर आदमी भी होते हैं क्या। उस दिन मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट आया, विदेश जाना छोड़ दिया, मेरी करियर जाने वाला था, सारा कारोबार मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने बोला इस आदमी में कुछ ऐसी अजीब सी चीज है जिसका चुंबक मुझे खींच रहा है। बस उस दिन से मैंने अपना जीवन क्रम बदल दिया। उनके पास मैंने लग गया कि भी इनके पास एक क्या विज्ञान है कि जिस विज्ञान से जो बीमारी दुनिया में लाइलाज थी मैं किसी भी तरह से ठीक नहीं हो सकता था, उसने मुझे 2 महीने में चंगा कर दिया। तो बस इस विज्ञान को मैं अध्ययन करूंगा और इस विज्ञान लोगों तक पहुंचाने में मैं भी कुछ अपना सहयोग देना चाहता हूं।
वहां की जो भी कमाई थी उस कमाई ने मुझे जीवन में सारी सुविधाएं तो दी लेकिन मुझे जीवन का स्वास्थ्य नहीं मिला था. इसलिए मुझे ऐसा लगा कि पैसे से स्वास्थ्य तो मैं कभी भी प्राप्त नहीं कर सका हूं, तो आज क्यों ना इस संत के कुछ सीख लूं. तो बस उस दिन से मेरा शिष्य अवस्था शुरू हो गई और उस दिन से आज तक उनसे कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करता रहा और उनके साथ मेरे जीवन का कुछ हिस्सा जुड़ गया. अपनी जीवनचर्या के लिए, जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ भी मैं करता था वो करता रहा और अपना विशेष समय इनके साथ मैंने लगा दिया. तब से लेकर 79 की ये घटना है, तब से लेकर आज तक मेरा जीवन इस कार्य में लग गया है और जो कुछ भी मैंने पाया है मेरा अपना कुछ भी नहीं है. जो कुछ भी आप देख रहे हैं मेरे इस गुरुजनों के पास से मुझे जो कुछ भी मिला है आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं. मुझे मेरे जीवन में ऐसे चार गुरुजन मिल गए जिन्होंने एक ही राह मुझे दिखाई थी. सबसे पहले मुझे मिले प्रोफेसर वीपी गिदवाणी, दूसरे एक ऐसे गुरुजन मिले जिनका सहवास बहुत कम हुआ लेकिन उन्होंने जो मुझे बताया ये दोनों एक पंथ पे चलने वाले थे. एक ने साइंस से मार्ग दिखाया, एक ने धर्म से मार्ग दिखाया. दूसरे मेरे गुरु थे संत हृदय नारायण योगी जी. हृदय नारायण योगी जी उस वक्त रिटायर्ड कलेक्टर थे, संसारी सज्जन थे, फिर भी उनका जीवन संत जैसा था और उनका दिल्ली में हेडक्वार्टर था, कैनॉट प्लेस में वो रहते थे, वहाँ अक्सर मैं आ जाया करता था. उनकी पहली एक किताब मेरे पढ़ने में आई, मानव जीवन का समन्वित विकास, शायद आज उपलब्ध है या नहीं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन उनकी ये किताब पढ़कर उनके पास पहुंच गया था. तो वहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि ये भी एक अजीब से संत हैं. उन्होंने रामायण के आधार पर सारा आरोग्य विज्ञान बताया था और वो रिटायर्ड कलेक्टर थे जो आज आप धरती बहन से सुन रहे हैं. उन्होंने क्या बात बताई, तप सेवा सुमिरन, उनके मूल पायोनियर थे हृदय नारायण योगी जी. और हृदय नारायण योगी जी से बहुत से लोगों ने शिक्षा प्राप्त की, उनमें से बीवी चौहान भी एक थे, मैं भी एक था, एक हूँ उनमें से, तो हम सब लोगों ने उन्हीं से भी कुछ प्राप्त किया. लेकिन जमाने के अंदर लोग साइंटिफिक तरीके से जब कोई बात प्रस्तुत की जाती है या धार्मिक रूप से जब कोई बात प्रस्तुत की जाती है तो लोग इसका स्वीकार जल्दी करते हैं. मेरी श्रद्धा विज्ञान की तरफ थी, फिजिकली मैं इंजीनियर था और प्रोफेसर गिदवाणी जी ने जो विज्ञान समझाया, नेचर का ये विज्ञान, हमारे शरीर की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और किस ढंग से आहार से हम अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं. हालांकि उनका एक ही मंत्र था, आहार ही औषध है, इसमें और किसी विशेष द्रव्यों की विशेष युक्ति प्रयुक्ति युक्ति कोई आवश्यकता भी नहीं. ये सारा विज्ञान जीवन भर तक उनके पास बैठकर मैंने सीखा है. तो इस विज्ञान की बदौलत मैं ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ. तीसरे मेरे गुरु थे डॉक्टर सुपनाराम लाडकानी, वो गांधीधाम में कच्छ में थे. उनकी शरीर की स्थिति देखो, आज भी मुझे याद है उनकी पहाड़ी आवाज़. 80-85 साल की उम्र में भी यहाँ अगर वो बिना माइक बोले तो हॉल के अंदर इनकी आवाज़ गूंजती है. तो इनकी जो सिंह गर्जना जैसी आवाज़ थी, और उन्होंने भी पूरा जीवन इसके अंदर ही समर्पित कर दिया था. और वो बड़े सज्जन स्वभाव के संसारी सज्जन थे, लेकिन उन गुरुजन से भी मैंने बहुत कुछ पाया था. उन्होंने भी मेरी इस राह को आगे बढ़ाने में बहुत सारा योगदान दिया. उन्होंने मुझे अपना मानस पुत्र समझकर अपने, उनके चार पुत्र थे, पांचवा बेटा मुझे मानते थे. अकस्मात बस उनकी दुर्घटना में शरीर छूट गया, वरना आज भी वो जीवित होते थे उनका स्वास्थ्य हम सब लोगों के लिए मिसाल बनकर रह जाता. इतना स्वास्थ्य उन्होंने अपने शरीर का बनाया था. पूरे गांधीयन थे, खादीधारी भी थे और पूरे गांधी जी के इस मिशन को लेकर के गुजरात में हर प्रांत में भी वो जाते थे और इनका ये शिविरों का कार्यक्रम चलता था. उन्होंने से भी मैंने बहुत कुछ सीखा. और चौथे मेरे गुरु थे डॉक्टर एम एम भमगरा, मेहरवान एम भमगरा.
वो पारसी सज्जन थे, उन्होंने भी अपना जीवन इसी के अंदर समर्पित कर दिया। उनका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र था, वो सूरत के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने भी अपना जीवन इस में समर्पित कर दिया। तो आज जो कुछ भी विज्ञान मैं आप लोगों के पास प्रस्तुत करते हैं, यहाँ मैंने देखते डॉक्टर गुलाब सर, अर्जुन सर, रमेश जी, जितने भी सारे लोगों को देखा कि डॉक्टरी विद्या से ज़्यादा एक मानव सेवा का भी बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ आने के बाद इस पुण्य भूमि में यही देखने के लिए आया हूँ कि भी यहाँ किस तरह से मानव सेवा की जाती है। आज देख करके बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ और बड़ी प्रसन्नता के साथ ये सारी चीज़ें यहाँ से बटोर के भेजा रहा हूँ कि शायद मैं कहीं किसी के काम में आ सकूँ। मेरे जीवन का भी यही एक मकसद है कि लोगों के स्वार्थ प्राप्ति में प्रभु मुझे निमित्त बनाना, ये मेरी सबसे बड़ी भगवान से भी प्रार्थना है और लोगों से भी प्रार्थना है। आज 38 साल से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, जो भी मुझे मिला है इससे कई लोगों को स्वास्थ्य लाभ हुआ है। कल भी मैंने बताया था कि लाभ उनकी अंदर की जीवनी शक्ति से मिलता है। लोग हमारे चरणों में आते हैं लेकिन हम इसमें कुछ भी नहीं करते, हम राह दिखाने वाले राह बढ़े, हम सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर जीवनी शक्ति के हम असिस्टेंट हैं, उसके मददगार हैं, और उसी की बदौलत ये कुछ आपको ठीक होता है। तो आप जो कुछ भी आप यहाँ प्राप्त करके जाएंगे, जो कुछ बात मैंने आप लोगों को बताई है, अगर आपको इसमें सच्चाई नज़र आए और इस इंसान की बात पे अगर कुछ दम नज़र आए और आपको इस विज्ञान के तरीके को भी सच्चाई में समझ में आए, तो आप इसको जीवन में ज़रूर अपनाना। आपको जीवन में पूर्ण स्वास्थ्य मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ये मेरा आप लोगों को वादा भी है। बहुत बहुत आभार वर्दी भाई जी का कि उन्होंने अपने जीवन का इतना महत्वपूर्ण अनुभव, ये कहना चाहिए एक दूसरी ज़िंदगी उनको मिली नेचुरोपैथी के द्वारा या उनके गुरु के द्वारा। आज उनकी उम्र इतनी है पर फिर भी वो बहुत इमोशनल हैं। पहले भी जब वो बता रहे थे, पिछले दो दिन से ही मैं उनको जानती हूँ, पर जब भी उनके गुरुजी की बात आती है वो भावुक हो जाते हैं। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि उनका दर्द कितना असहनीय रहा होगा। और जब दर्द से मुक्ति मिल जाती है, मतलब कहते हैं ना कि शरीर स्वस्थ है तो सब अच्छा अच्छा लगता है, और शरीर अस्वस्थ है तो आपने बिल्कुल लाइव आपने देखा कि कितना भी धन दौलत होने के बाद भी अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ज़ोरदार तालियां फिर से होनी चाहिए वर्दी भाई जी के लिए, क्योंकि वास्तव में संत पुरुष वो नहीं होते जो सिर्फ अपनी वाणी अपने वचनों के द्वारा सभी लोगों के हृदय में स्थान बनाते हैं, पर वास्तव में वो होते हैं जो अपने जीवन में जो बोलते हैं उसको उतारते हैं। और वर्दी भाई जी वही हैं जो वो बोलते हैं, जो आज वो दम से बोल पा रहे हैं, उनकी वाणी में इतनी पावर है, इतना असर है, वो तभी है जब इन्होंने तपस्या की है। इतनी तपश्चर्या करने के लिए, मुंह पे ताला लगाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, ये तो आप पिछले 7 दिनों में जान चुके होंगे। जो इतने वर्षों से इस तपस्या को कर रहे होंगे उनके अंदर कितना पावर होगा, उनकी ऑरा कितनी प्योर होगी, और उनकी ऑरा से संत जी के आशीर्वाद से आप सब लोग यहाँ से स्वस्थ होके जा रहे हैं और आगे भी स्वस्थ रहेंगे। इस कैंप में आप सभी आए, ये आप सभी का सौभाग्य है, क्योंकि इसमें इतने उच्च गुरुजी, इतने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके व्यक्ति की ऑरा, व्यक्ति का साथ हमको मिला है। आपने लेक्चर सुने भी होंगे वर्दी भाई जी के, पर सच में अगर आप, जैसे इन्होंने बोला कि इन्होंने इनके गुरुजी को ब्लैंक चेक दिया था, पर संत पुरुष जो होते हैं वो माया मोह से परे होते हैं, पर जो वो मांगते हैं वो बहुत बड़ा होता है, उसको देना के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। वर्दी भाई जी इशारे ही इशारे में आप सब लोगों को कुछ कह के गए हैं, हम सब लोगों को कुछ बोल के गए हैं। वो ये बोला है उन्होंने कि जो भी उन्होंने आपको ज्ञान दिया है, जो भी उन्होंने आपको बताया है, आज इतनी उम्र में भी वो हर जगह घूम के आप तक वो चीज़ क्यों पहुँचा रहे हैं।
आज जीवन में सबके लिए स्वार्थ जरूरी है, अपना शरीर जरूरी है, आज उनके लिए भी है, पर फिर भी वो मानव मात्र की सेवा के लिए आ रहे हैं ना। हम तो दो दिन कहीं बाहर जाते हैं और तीसरे दिन सोचते हैं कब हम घर पहुँचे, पर आप उन्हें देखिए कितने कूल रहते हैं और आपको बता रहे हैं, और बताने के बाद चाहें या न चाहें आप देना, पर फिर भी उनकी गुरु दक्षिणा यही है कि जो रास्ता उन्होंने बताया है आप उस पर चलिए। चलेंगे तो जिस तरीके से आज वो खड़े हैं इतने साल की उम्र में भी, हम भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो इशारे इशारे में बात को समझिए और अपने जीवन में उनकी बताई हुई बातों को उतारिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हम सभी के लिए, अपने जीवन का जो त्याग करके वो यहाँ पे आए हैं, हम सबको जो उन्होंने लाभ दिया है उसकी कोई कीमत नहीं है, वो अमूल्य है, उसके लिए बहुत सारा आभार। और उसके बाद अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय भाव जी से अनुरोध करूँगी कि वे आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए, क्योंकि आज भाव जी हैं तो ये संस्था है, हम सब लोग हैं। मंच पर विराजमान और इस सभागार में उपस्थित मेरे समस्त आदरणीय आत्मीय स्वजन, आप सबके चरणों में मैं हृदय से वंदन करता हूँ। हमारे देश का पिता बापू जिसको बोलते हैं, महात्मा गांधी एक ही है जी, और संत था, और संत सब एक समान होते हैं जी। जो आदरणीय वर्दी भाई ने बताया, मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने जब अहमदाबाद आए तो प्रोफेसर गिदवानी जी को जहाँ वो रुके हुए थे वहाँ निमंत्रण दे के बुलाया था कि इन लोगों को समझाओ ये गलत खाना खा करके बीमार पड़े हैं सब, इनको सही रास्ता बताइए, और उन्होंने उनको हमेशा के लिए स्वस्थ कर दिया भगवान भाई के यहाँ से आप हो के आए। हाँ, और हृदय संत जी शुरू से ही बापू से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए वो हमें आचार्य विनोबा जी के आश्रम में पवनार में लेकर गए, हम 3 दिन वहाँ रुके, उन्होंने भी बहुत कुछ दिया। आदरणीय योगी हृदय नारायण जी भी यहाँ आए थे स्वामी जी के साथ, बहुत उन्होंने भी, यानी संत तो एक ही होते हैं, उनका एक ही भाव था, जो गांधी जी का ग्राम स्वराज्य का स्वप्न है कि हर एक गांव में कोई भी बीमार पड़े तो उसको किसी डॉक्टर को ढूंढने बाहर नहीं जाना पड़े, उसी गांव में जो फल सब्जियां पैदा होती उसी से वो वहीं ठीक हो जाए, ये पूज्य बापू का ग्राम स्वराज्य का स्वप्न था। और उसको पूरा करने के लिए हृदय संत जी को इंदौर में प्राकृतिक चिकित्सा को पूरा जीवन अर्पित करने वाले डॉक्टर भोजरा छाबड़िया जी मिले, उन्होंने उन्हें और ज़्यादा अच्छी तरह से प्रेरित किया। उनके जीवन में कुछ तकलीफें थी उसको दूर किया प्राकृतिक चिकित्सा से, तो उनको और विश्वास आ गया। उन्होंने बोला जब मेरी तकलीफें इतनी सहजता से दूर हो गई हैं तो अब तो मेरा दायित्व तो बनता है कि देख रहा हूँ चारों तरफ हर व्यक्ति किसी न किसी मर्ज में मुब्तला है, तो अब इनका दुख दूर करना मेरा दायित्व तो है। जैसे वर्दी भाई ने कहा मेरे को लाभ हुआ है, अब इनको बाकी लोगों को लाभ देना, इस ज्ञान का प्रकाश देना मेरा दायित्व तो है। संत कहते ही उसको हैं जो दूसरों की पीड़ा को खुद की पीड़ा महसूस करके उसे दूर करने का प्रयास करता है। यही विचार करके हृदय गुरुदेव जी ने यहाँ पर एक छोटा सा प्राकृतिक चिकित्सालय
टीन की चादरों से बना हुआ शुरू कराया जी, और आज जो देख रहे हैं ये उनकी त्याग तपस्या और उनके संकल्प का बल है। प्राकृतिक चिकित्सालय तो अच्छी तरह चलने लगा, बहुत रोगी आते थे, ठीक होके जाते थे, लेकिन उन्होंने कहा भाई ये तो यहां पर सिर्फ हो रहा है, बाकी जगह के लिए क्या, तो उसके लिए तो और प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टर चाहिए। गांव गांव में जो अपने अपने गांव में जाकर के इस कला का प्रचार प्रसार करें और लोगों को स्थायी स्वास्थ्य प्रदान करें। वो कहते थे बीमार पड़ना देशद्रोह है, भगवान ने हमें स्वस्थ निरोग बिना किसी दिव्यांगता के ये सुंदर शरीर दिया है, इसे संभाल कर रखना और समाज राष्ट्र और उस परम पिता के लिए इसका उपयोग करना ये हमारा दायित्व है। इसीलिए हर एक गांव में एक प्राकृतिक चिकित्सक हो, इस भाव से यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान का एक महाविद्यालय खोलने की उनका संकल्प था। वह संकल्प था, हालांकि उनका शरीर छूटने के बाद में वो शुरू हुआ, लेकिन संतों के संकल्प तो भगवान के संकल्प हैं, पूरा हुआ। और न सिर्फ पूरा हुआ, पिछले साल तक वहाँ पर बैचलर्स डिग्री में नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस की 5.5 साल का कोर्स है वो पढ़ाया जाता था, और सिर्फ बिटियाओं के लिए है। क्यों, उस कैंपस में और भी 2 कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज है एमबीए का, और एमबीए में भी 2 इयर्स और 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स। पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश की बिटियाएं वहाँ आती हैं, क्योंकि वहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि यहाँ की यूनिवर्सिटी में 10 की 10 सीटें हमारे कॉलेज की बिटियाएं ऑक्यूपाई करती हैं। इतनी अच्छी पढ़ाई, लाइफ स्किल्स, इतना अच्छा उनके अंदर भारतीय संस्कृति के सद्गुण, व्यवहार में सौम्यता, शालीनता, दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, धैर्य से अपनी गलती सुन लेना जी, और कृतज्ञता। कृतज्ञता वो गुण है जो सब गुण हमारे अंदर भर देता है। और स्वामी रामसुख दास जी कहते थे कृतज्ञ के ऊपर उस परम पिता की कृपा बरसती है जी, उसका जीवन हमेशा सुखों से भरा रहता है, और कृतघ्न के ऊपर उसका कोप होता है, परिणाम स्वरूप उसके जीवन के हर पग पर ठोकरें, दुख, तकलीफें रहती हैं। और पहले कृतज्ञता उस माता पिता के प्रति जिन्होंने बचपन से, माँ 9 महीने हमें गर्भ में संभालती है, अपना जीवन दांव पे लगा करके हमें संसार में ले आई, और इस छोटे से बालक को किस तरह बड़ा करती है। बच्चा देख रहा है पिता ओवर टाइम करके ज़्यादा पैसे कमा के लाता है कि मैं अपने बच्चे को अच्छा पौष्टिक भोजन दूं, क्योंकि इसे जीवन भर अपने बलबूते पे संघर्ष करना है, हमेशा माता पिता नहीं रहेंगे। जो संतान अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं है, गुरुजी कहते थे न वो अपने जीवन साथी के प्रति, न समाज के प्रति, न राष्ट्र के प्रति, न उस परम सत्ता के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। परिणाम स्वरूप उन कृतघ्न के ऊपर पूरी कायनात कोप करती है, दुख देती है। कृतघ्न के ऊपर हमेशा ही हमेशा उसको बीमारियां पग पग पे दुख होते हैं, और जो कृतज्ञ है उसके मन में आनंद रहता है जी, खुशी रहती है, क्योंकि उसके मन में हमेशा यही रहता है जिससे अभी वर्दी भाई विद्वानी साहब के प्रति कृतज्ञ हैं, जितने 4 गुरु बताए, अब इनके मन में भाव आता है उस कृतज्ञता स्वरूप। गुरु की दक्षिणा यह है कि जो ज्ञान मुझे मिला उनसे उसको मैं बांटूं, और उसमें जो आनंद है वो तो पैसों कमाने में नहीं है जी। कितना पैसा चाहिए आदमी को,
सचमुच दुख होता है, रोटी कपड़ा और मकान उसके ज्यादा जो पैसा है वो तो व्यसन पैदा करता है, बीमारियां पैदा, बीमारियां खरीदी जाती हैं पैसों से जी, और स्वास्थ्य फ्री में मिलता है, फिर भी हम खरीदते हैं संगति। इसलिए कहते हैं हमारे बुजुर्ग हमारे संत, संगति ऐसे व्यक्ति से करो जो जीवन में खुद भी आगे बढ़े, इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का लक्ष्य उसे मालूम हो, जिसे पूरा करने के लिए साधन ये शरीर है, ये मस्तिष्क है, ये मन है, उसे वो सकारात्मक सोच से भर दे। एक ही भली मित्र हो लेकिन ऐसा हो जी, ऐसा मित्र नहीं चाहिए जो खुद भी गड्ढे में जाए हमें भी गड्ढे में ले जाए, गलत आदतें नहीं हो, गलत सोच नहीं हो, नकारात्मक सोच नहीं हो, किसी की निंदा न करे न सुने, क्योंकि सुपरविजन का काम हमारा नहीं है जी, सुपरविजन का काम उसका है, हमारा सुपरविजन सिर्फ इधर अपने को देखना है, हमारी मानसिकता किसी भी कारण से विकृत नहीं हो, किसी के प्रति द्वेष बदले का भाव पैदा न हो, कोई अगर दुख भी दे तो हम उसे क्षमा कर दें, होगा कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध का लेन देन ले लिया ना, हिसाब पूरा हो गया, अगर मैं बदला लूंगा तो हिसाब कब पूरा, हम तो आए हैं हिसाब पूरा करने जी। ये सोच हमें शांति देती है, क्षमा कर दिया तो हमारे मन में शांति, और अगर जरा भी बदले का भाव पैदा हुआ उसी समय से मन की शांति खत्म। किताब में आंखें होंगी लेकिन मन सोचता रहेगा कि कौन मेरे ऐसे मजबूत मुस्टंडे मित्र हैं जिनको लेकर के इसको मजा चखाऊं, अब मजा चखा पाऊंगा कि नहीं नहीं मालूम है, लेकिन प्लानिंग यही चलती रहेगी, काम में एकाग्रता नहीं जमेगी, यानी मैंने अपनी शांति तो खो दी उसी क्षण जिस दिन मैंने जिस समय उसे क्षमा नहीं किया। इसलिए क्षमा करने से सबसे बड़ा लाभ हमें है जी, और ये तनाव यही तो सब बीमारियों की जड़ है, स्वस्थ रहना है तो क्षमा करना भी इसका एक अंग है जी। चलो साहब मजा चखा दिया, वो छोड़ देगा कब तक चलेगा ये कुत्ते बिल्ली का खेल? हर एक कुत्ता अपने अपने मोहल्ले का राजा होता है, दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आता है तो उसको वो मारते हैं, वो ये समझते हैं कि ये हमारा एम्पायर है, दूसरे साम्राज्य का यहां कैसे आ गया दुश्मन देश से? और हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि 6-8 साल में दोनों ही साम्राज्यों के वो कुत्ते बदल जाते हैं। इससे मुझे ये शिक्षा मिलती है कि भैया तू थोड़े समय के लिए आया है, जितना हो सके, एक महापुरुष ने कहा है ना किसी को तू सता ना किसी की आह ले, हो सके तो कर भलाई वरना अपनी राह ले। क्योंकि गरीब है वो जो दुखी इंसान है, उसके जख्म पर यदि मलम नहीं लगा सकते तो नमक मत छिड़को, क्योंकि उस गरीब की आह इतनी खतरनाक होती है, हमारे सब पुण्य खत्म हो जाते, हमारा जीवन दुखों से भर जाता। और ये ज्यादातर दुख हम देते हैं अपनी वाणी से, हमारी वाणी में प्यार हो सबके लिए, अपनत्व हो, और वो होगा जब हमारा भोजन इस प्रकार का हो, जब हम आग पे भोजन चढ़ाते हैं और वो खाते हैं तो हमारा दिमाग भी उबलने लगता है जी, फिर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये पद्धति तो हमें जीवन में न सिर्फ शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य देती है, लेकिन हमारे अंदर जाने के लिए रास्ता खोल देती है, जो हमारे अंदर अजस्त्र आनंद का स्रोत है वहाँ तक हमें पहुँचा देती है। परिणाम स्वरूप हर परिस्थिति में हम लोग बहुत आनंद में रहते हैं जी, ये तो अनुभूति की बात है। जैसे जैसे हम इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे,
ये अनुभूतियां हमें मिलती रहेंगी और बाद में मालूम पड़ेगा हम कहां पैसों के पीछे भाग रहे थे। सही जीवन तो ये है, पैसों के द्वारा जो सुख मिल रहा था उस सुख भोग के पीछे तो रोग छुपा हुआ था। ये जो सुख है ये सुख नहीं है, सुख का अंत दुख में ही होगा लेकिन आनंद का अंत परम आनंद में होगा। आनंद का कोई विपरीत शब्द है ही नहीं और हर किसी के अंदर वो आनंद का अजस्त्र स्त्रोत है। सुन्या सखणा को नहीं सबके अंदर लाल, मूरख गंड खोले नहीं कर में भया कंगाल। जैसे मृग कस्तूरी के लिए इधर उधर भटकता है जबकि वो उसकी नाभि में ही है, तो आनंद तो हमारे अंदर है और उसे पाने के लिए सबसे पहले अपने शरीर को विजातीय द्रव्यों से टॉक्सिन से दूर करके इनको निर्मल बनाना पड़ेगा। शरीर निर्मल तो मन निर्मल, मन निर्मल तो फिर आनंद ही आनंद है। इस साल से पहले तो मैं आपको बता दूं कि बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस का जो कोर्स है ये MBBS के बराबर है, वही डिग्री वही सर्टिफिकेट वही अधिकार। BNYS करके आप PG ऑप्थल्मोलॉजी में गायनेकोलॉजी में किसी भी कर सकते हैं जी। इस साल हमने मास्टर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस का कोर्स इस साल हमें मान्यता मिली है, शुरू कर रहे हैं। क्योंकि हर विद्या में कितने भी हमें अनुभव हो जानकारी है लेकिन सामने वाला आजकल पूछता डिग्री क्या है इसकी, आपको आश्चर्य होगा कि आजकल साधारण ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति भी कोई भी बीमारी हो तो MBBS या MD के पास नहीं जाएगा, वो स्पेशलिस्ट ढूंढता है जी। और ये जो नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस है इसमें आने के बाद वो डॉक्टर सभी रोगों का स्पेशलिस्ट बन जाता है। क्यों? कि ये सत्य पर आधारित है, सत्य हमेशा सरल होता है, ट्रुथ इज ऑलवेज सिंपल। झूठ को लाग लपेट करनी पड़ती है, अच्छी पैकिंग करनी पड़ती है जी, लच्छेदार बातों से उसको सजाना पड़ता है। ये सत्य है, सरल है, और सरल और सत्य और सुलभ बात का हम कदर नहीं करते जब तक हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं मिले जिन्होंने उस रास्ते पर चलकर सब कुछ पाया है। तो ये हृदय संत जी ने, आरोग्य केंद्र है, कॉलेजेस हैं, ये पैसे कमाने के लिए नहीं खोले जी, उनका ध्येय एक ही है, पहला हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, सुखी रहे, आनंद में रहे। दूसरा, आज के समय में विशेष रूप से उनके समय में ऐसा हुआ कि कुछ दहेज लोभियों ने अपने बहुओं को जला दिया जी। अब संत का करुण हृदय पीड़ा से भर गया, 2-3 दिन अपने आप को बंद कर लिया कमरे में, सोचते रहे कि क्या करूं। समझाया उन दहेज लोभियों को, लेकिन कहां दहेज लोभ किसको छोड़ता है, नहीं माने। फिर उन्होंने युक्ति निकाली कि क्यों ना मैं अपनी बिटियाओं को इतनी अच्छी पढ़ाई करा के इतने अच्छे पद पे पहुंचाऊं, साथ ही साथ उनमें भारतीय संस्कृति के संस्कार, भारतीय संस्कृति के संस्कार, बड़ों के प्रति सम्मान, उस परमपिता में विश्वास और छोटों के प्रति प्यार, धैर्य, सौम्यता, ये सब कुछ हो, ये उच्च शिक्षा उस बिटिया के लिए अभिशाप न बने, घमंड में आकर के वो जहां भी जाए वहां पर विध्वंस न फैलाए,
ये संस्कारों के साथ यहाँ पर शिक्षा दी जाती है. एक मैनेजमेंट कॉलेज है, एक ये मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस है, और दूसरा ट्रेडिशनल कॉलेज है जहाँ बीएससी, बीकॉम, माइक्रोबायोलॉजी या मास्टर्स डिग्री तक, पीजी कोर्स तक हमारे यहाँ उस कॉलेज में पढ़ाई होती है. हॉस्टल है, 300 बिटियाओं के रहने की अभी तक व्यवस्था थी, अब ये एक फ्लोर ऊपर और उठ रहा है जिसका उद्घाटन 15 दिसंबर को होगा. तो 100 बिटियाएँ और हम अकोमोडेट कर सकेंगे. उसके बाद दूसरी दो हॉस्टल्स हैं, दूसरे के ऊपर एक फ्लोर और उठाएंगे तो अगले साल 100 बिटियाओं को और अकोमोडेट. क्यों? कुछ पूरे देश से ही नहीं, थाईलैंड से, नेपाल से यहाँ हमारे यहाँ बिटियाँ पढ़ने के लिए आती है. लक्षद्वीप, अरुणाचल, पूर्वोत्तर से तो बहुत आती हैं. रहने के लिए हॉस्टल चाहिए, और हमारे यहाँ इतना अच्छा घर जैसा माहौल है, और फीस सरकार तय करती है वही लेते हैं. सब पारदर्शी है, अंडर द टेबल कोई काम नहीं होता, और पढ़ाने वाली फैकल्टीज इतनी आत्मीयता से पढ़ाती हैं. कल हमारे पूर्व छात्राओं का एल्यूमिनाई होता है प्रोग्राम था, वो छात्राएं जो पिछले वर्षों में हमारे कॉलेजों से निकल कर गई आज अच्छे अच्छे पदों पर हैं, वो बताती हैं कि हम यहाँ से जो सीख कर गए, विशेष रूप से नम्रता, धैर्य, उसकी वजह से जहाँ भी हम हैं हमें हर प्रकार का सम्मान, सहयोग, सबसे नीचे वालों से ऊपर वालों से सबसे मिलता है. हमें लगता ही नहीं है हम कहीं दूसरी जगह आए हैं. और उन्होंने अपने अपने अनुभव और अपने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, और उसके बाद गरबा भी खेला बहुत बढ़िया. आप नहीं गए दीदी? आपको बताया ही नहीं होगा इन्होंने. अच्छा, तो गरबे में नहीं रही आप? मेरे को आता नहीं है गरबा, तो मैं चला गया, मेरे को नहीं सिखाया दीदी. तो मेरे मित्रों, आप आए हैं कहां से, विश्वास रखिए, यही सही सत्य है, यही एक रास्ता है शारीरिक और मानसिक रूप से स्थायी रूप से स्वस्थ रहने का, और उसके बाद उस परम पिता परमेश्वर के नजदीक जाने का. उपवास, उप यानी पास में, वास यानी निवास, उस परम पिता के नजदीक नजदीक चले जाते हैं. जैसे जैसे हमारा भोजन सात्विक और सूक्ष्म होता जाता है, वैसे वैसे हम उसकी अनुभूति अपने अंदर करने लगते हैं. रामायण में है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसकी अनुभूति तब होगी. ये मल के, टॉक्सिन्स के जो आवरण चढ़े हुए हैं इनको तो पहले हटाएं, ये बेड कंडक्टर हैं. उस आध्यात्मिक शक्ति के, उस एनर्जी के टॉक्सिन्स जब निकल गए, शरीर निर्मल हो गया, तो हम उस परम सत्ता के नजदीक पहुंचते जाते हैं, और हमें अनुभूति होती है उसकी उपस्थिति की हमारे अंदर. करके देखिए जी, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, इस बार जितना भी लाभ हुआ है, और यहां से जाएंगे तो घर में जाकर आपको क्या करना है, जितने महीने की आवश्यकता आपको डॉक्टर बताएं, कृपया 2-3 महीने वो आइए, और अपने रोग को बिल्कुल निर्मूल करके अपने जीवन पद्धति में स्थायी परिवर्तन लाइए, और एक नया जीवन शुरू कीजिए. वो सच्चा जीवन है. आज तक हम जो जीते आए हैं, वास्तव में हम बहुत बड़े धोखे में है. ये हमारा अभिशाप है कि हमने अग्नि का आविष्कार कर लिया, हमें कहां से वो पत्थर भगवान ने मिल गए, ढक करी और उससे चिंगारी निकली और हमने आग जला ली. आग ने ही ये सब बीमारियां पैदा की हैं. बाकी जितने भी जीव हैं, हमारे पूर्वज बंदर हैं जी, कोई बीमार पड़ता है क्या? कितने फुर्ती से एक पेट से दूसरे पेट तक. वो भगवान का बनाया हुआ भोजन जो कंद मूल फल खाते हैं वो स्वस्थ रहते हैं. अरे भगवान रामचंद्र जी 14 साल वन में गए, कभी बीमार पड़े क्या?
कभी आपने देखा सीता माता रोटली छाप रही है? इसे हम समझे ना कि सही मार्ग ये है, आज ये हमारा कुछ पुण्य कर्म उदय हुआ है, हम यहाँ पहुंचे हैं, अब इस पुण्य कर्म को और बढ़ाएं और इस मार्ग को जीवन में अपना कर अपना और अपने परिवार का जीवन आनंद से भर दे। और विशेष रूप से मैं माताओं से निवेदन करूंगा कि आपकी सानिध्य में जितनी बिटियाँ आती हैं स्पेशली 9th 10th में, उन्हें इस प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के बारे में बताएं। MBBS के लिए कम से कम हर महीने 3-4 लाख रुपए लगते हैं। हमारे यहाँ सरकार के द्वारा तय एक साल में फीस 64,000 रुपए वही लगती है, बस 64,000। बाकी हॉस्टल वो शेयरिंग बेसिस पे चलता है और पूरी तरह से सुरक्षित, और इतना सात्विक माहौल है, भोजन इतना अच्छा है, 3 कसौटियों पे कसा जाता है भोजन, स्वादिष्ट हो, पौष्टिक हो और सुपाच्य हो, इन 3 कसौटियों पे जो सही उतरे वही सही भोजन है, और वही भोजन वो हॉस्टल में हमारे विद्यार्थियों को खिलाया जाता है ताकि वो स्वस्थ रहें, पढ़ाई कर सकें। बीमार पड़ेंगे तो पढ़ाई कौन करेगा? इनके पेरेंट्स ने हम पर विश्वास रख के भेजा है तो हमारा दायित्व बनता है कि इनको स्वस्थ रखें, सुबह योगासन कराएं, गेम्स हैं हर तरह से, और इसके सिवा लाइफ स्किल्स, व्यवहार कुशलता, ड्रेसिंग सेंस, हर चीज़ बिटिया को सिखाई जाती है, यहाँ तक कि एक सुघड़ गृहिणी कैसे बने, किफायत से घर को कैसे चलाए, सब ज्ञान इनको यहाँ पर दिया जाता है। आपको 1 बजे रमेश भाई ले जाएंगे, कॉलेजेस दिखाएंगे और भी जो आप चाहेंगे सब दिखाएंगे। मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ, न चाहते हुए भी हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की हम आपको जितना हो सके सुविधा दें, सुख दें, आप यहाँ पर रहें तो आपके मन में कहीं भी ऐसी बात न हो, ये क्या है, ये और सुविधा होती तो हमें अच्छा होता। हमने पूरा प्रयास किया लेकिन परिपूर्ण तो एक परमात्मा है जी, हम तो अपूर्ण हैं, हमारी कृति भी अपूर्ण होगी, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रह गई होगी, ये पक्की बात है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ बहन, अभी या वहाँ जाके आपको जो कुछ भी और इसमें हम ऐड कर सकते हैं जिससे आगे की कैंप में और ज़्यादा अच्छी तरह, आप भगवान हैं हमारे लिए, आपकी सेवा हम कर सकें, वो सुझाव हमें निसंकोच भेजिएगा पत्र के माध्यम से, टेलीफोन करके, हमारे रमेश भाई हैं, गुलाब यहाँ के इंचार्ज है, तो हम उसको लागू करेंगे, जो कुछ भी उसमें व्यवहारिक होगा लागू करने योग्य। और आते रहिए, स्वस्थ होने के बाद भी कम से कम मिलने तो आते रहिए जी, ये परिवार जितना बढ़ेगा, और अपनी बिटियाओं को ये जो नेचुरोपैथी का एडमिशन है ये भी नीट के द्वारा ही होता है जी, नीट में कट ऑफ मार्क्स इसके लिए, क्योंकि अभी तक इसका ज्ञान ज़्यादा लोगों को नहीं है, MBBS में नहीं हुआ तो आयुर्वेद में जाएगा, आयुर्वेद में नहीं होगा तो दूसरी किसी दवाइयों वाली पद्धति में जाएगा, क्योंकि उसमें कमाई है, इसमें दवाई नहीं है तो कमाई कहाँ की होगी बाबा, लेकिन इसमें जो कमाई होती है वो यहाँ भी हमें सुख देती है, वहाँ भी साथ जाती है, इसलिए आप अपनी बच्चियों को यहाँ भेजने के लिए कोशिश करिएगा, उन्हें प्रेरित करिएगा, तो मैं आपका आभारी और अधिक आभारी रहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार भाव जी का, इतने अच्छे वचन सुनने के बाद सिर्फ 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी आभार स्वरूप कि कितने ऊँचे भाग्य हमारे ऐसा सतगुरु पाया है,
जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। सच में संत पुरुष नहीं होते, सज्जन नहीं होते, तो सच में इस दुनिया में हम लोग लड़ मरते। आज इन्हीं वचनों की वजह से, इन्हीं अमृत रूपी वचनों की वजह से हम सबके हृदय में धैर्य है, नम्रता है, शांति है। तो बहुत बहुत आभार भाव जी का कि उन्होंने इतने अमृत रूपी वचनों की वर्षा हम सभी पर की और हम सभी को गदगद किया। बहुत बहुत तालियों के साथ हम अपना प्यार उन तक पहुँचाएँ। अब समारोह में आगे बढ़ते हुए इतने सारा प्यार हम सभी तक पहुंचाया है वर्दी भाई जी और हमारी धरती बहन जी जो अहमदाबाद से आए हैं, थोड़ा सा प्यार हम भी उनको देना चाहते हैं। हमारे प्यार स्वरूप हम सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर लता टेवानी जी को कि धरती बहन जी का सम्मान श्रीफल और शॉल द्वारा करें। जोरदार तालियों के साथ सम्मान होना चाहिए, आप अपना प्यार इन तक पहुँचा रहे हैं। पुण्य आत्मा वर्दी भाई जी के सम्मान के लिए श्रद्धे सिद्ध भाव जी से अनुरोध करूंगी कि वो हम सभी का प्यार भाई जी तक पहुंचाए। मुझे पता है वर्दी भाई जी कुछ भी लेते नहीं है, पर ये हमारा प्यार है। बहुत बहुत आभार हमारा प्यार स्वीकार करने के लिए वर्दी भाई जी, धरती बहन जी। अब इसके बाद आप सभी लोग जो भी अपडेट चाहते हैं, आरोग्य केंद्र में कैंप्स होते रहते हैं या जो भी डेली पेशेंट्स जो होते हैं, क्रिटिकल पेशेंट किस तरीके से ठीक होते हैं, ये आप सब लोगों तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर गुलाब टेवानी के निर्देशन में हम सब लोगों की टीम ने एक प्रयास किया है। आप हमारे YouTube चैनल आरोग्य केंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सारा का सारा अपडेट आपके पास पहुंचेगा डे बाय डे। उसमें जो भी पेशेंट क्रिटिकल होते हैं उनके एक्सपीरियंस शेयर किए जाते हैं या जो भी नया इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होता है, जो भी नया अपडेट होता है वो आप तक पहुँचता है। पर बिना सब्सक्रिप्शन के नहीं होगा, तो फटाफट अपने मोबाइल फोन्स पे आरोग्य केंद्र चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट और जो भी जानकारी आप जानना चाहते हैं वो आप तक पहुँचेगी। अब एक छोटा सा शब्द होता है जिसको बोलते हैं थैंक यू। कोई भी आपका काम करता है, अगर आप एक थैंक यू बोलते हैं तो उसके फेस पे एक बड़ा सा स्माइल होता है और वो स्माइल आपको भी खुशी देता है और सामने वाले को भी। तो थैंक यू बोलना एक बहुत करेज का काम है। हमारे घर में सब लोग हमारा काम करते हैं या कोई भी आपका काम करता है, पर एक थैंक यू उसके काम को कम तो नहीं कर सकता, उसके काम का मोल तो नहीं दे सकता, पर उसके काम के लिए हमारा आभार उस तक ज़रूर पहुंचाता है। तो इसी आभार को व्यक्त करने के लिए मैं डॉक्टर लता टेवानी जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और हम सभी की तरफ से, केंद्र की तरफ से, केंद्र के सभी लोगों का और आप सभी का आभार व्यक्त करें। डॉक्टर लता टेवानी जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए क्योंकि एक थैंक यू के लिए बहुत मेहनत लगती है। सर्वप्रथम नमन परमपिता परमेश्वर के चरणों में, हमारे गुरु जी के संत शिरोमणि हृदय राम साहिब जी के चरणों में, श्रद्धे सिद्ध भाव जी के चरणों में हमारा नमन, मंच आसीन हमारी धरती बहन जी, वर्दी भाई जी, टेवानी जी, सबको मेरा नमन। हम अति आभारी हैं अपने परमपिता परमेश्वर के जिन्होंने हमें मानव जीवन दिया। ये मानव जीवन हमें मिला है और इसको सार्थक सिद्ध करने के लिए धन्यवाद हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे संत शिरोमणि हृदय राम साहिब जी को, जिन्होंने मानव सेवा ही माधव सेवा है यह हमें सिखाया। हमारा रोम रोम उनका कृतज्ञ है। बार बार हम अपने संत जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना जो आशीर्वाद स्वरूप हाथ हम लोगों के ऊपर रखा है और हमेशा बनाए रखें कि संत जी कहीं गए नहीं हैं, ऐसा हम लोग समझते हैं। हमेशा उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहता है। जब भी किसी परेशानियों में हम जूझते हैं, वो चाहे सामाजिक परेशानियां हों, घर की हों, कैसे भी हों, दो मिनट हम लोग अपनी आँखें बंद करके संत जी को याद करते हैं
तो हम महसूस करते हैं हमें वो शक्ति मिलती है, वो मार्ग मिलता है जो सही मार्ग होता है। हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, जहाँ हमारी नैया भंवर में अटके, आपको कोई रास्ता ना मिले, दो मिनट के लिए अपने गुरुजनों को याद करिए, अपने माता पिता को ध्यान करिए, आपको सही रास्ता मिलेगा। मन एक मंदिर है, बोलते हैं ना, मन एक मंदिर है। उस मंदिर में अगर आप आंखें बंद करके अंदर की तरफ झांकेंगे तो आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा, अच्छे और बुरे की पहचान मिलेगी। ऐसे ही अच्छे और बुरे की पहचान देने वाले हमारे श्रद्धे सिद्ध भाऊ जी हैं, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमारे संत शिरोमणि साहब जी का कार्यभार संभाला है, उसे मूर्त रूप दिया है, कार्यान्वित किया है और आगे बढ़ा रहे हैं। श्रद्धे सिद्ध भाऊ जी का हमेशा आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहेगा। हम लोग सब उनके अति आभारी हैं। हम आभारी हैं हमारी इतनी दूर से चल के आई हैं धरती बहन जी, जिनको हम लोग आग्रह करते हैं कि हर कैंप में वो आए, हर कैंप में नहीं तो एक कैंप छोड़ के एक में वो आती हैं और हमारा आग्रह स्वीकार करती हैं। ये आरोग्य केंद्र परिवार तहे दिल से उनका धन्यवाद करता है। जोरदार तालियां हो जाए हमारी बहन। हम अति आभारी हैं हमारे वर्दी भाई जी का, वर्दी भाई ठक्कर जी, जो पहली बार हमारे केंद्र में आए हैं और उन्होंने जो अमृत वर्षा की है स्वास्थ्य की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये परिवार आपको धन्यवाद देते, जोरदार तालियां, इतनी इतनी नहीं, बहुत जोरदार तालियों से उनका साथ। धन्यवाद आप सबका। आप रोगी नहीं है हमारे लिए, आप साधक हैं। ये साधना क्षेत्र है जिसमें आप लोग साधना करने आए हैं। 7 दिन तक मुंह को पट्टी बांध के रखना और घर के जो खाना खाया हुआ है उस सबको भुला के और हमारे बताए हुए भोजन पे चलना और हम पे विश्वास करना, उसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। जोरदार तालियां आप ही लोगों के लिए। जोरदार तालियां हो जाए हमारे उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने इतने अच्छे ढंग से आपकी सेवा की है, इतना अच्छा भोजन खिलाया है आप लोगों को, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। जब उसके साथ टीम होती है, आशीर्वाद होता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब परमात्मा की कृपा बरसती हम लोगों को, तभी और लोग हम पे कृपा कर सकते हैं। आप लोगों का भी कोई पुण्य कर्म उदय हुआ है जो स्वास्थ्य की गंगा में आप लोग डुबकी लगाने आए हैं, और आपका पुण्य कर्म और भी अच्छी तरह से उदय होता रहेगा अगर इस पथ पे आप लोग चलते रहेंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद हमारे हीरो भाऊ जी के लिए, जो कि इस केंद्र के सेक्रेटरी भी हैं और हम लोगों को हर प्रकार से सहयोग करते रहते हैं हमेशा। ये तो सेक्रेटरी हमारे अभी हुए हैं, उसके पहले भी संत जी के जितने भी सेवादारी हैं, तहे दिल से हम उनका धन्यवाद करते हैं। किसी भी क्षेत्र में किसी भी काम के लिए हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वह सब तत्पर खड़े रहते हैं सेवा के लिए। इसके लिए तहे दिल से हम उनका सबका धन्यवाद करते हैं, जो लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को सहयोग करते हैं। तहे दिल से तालियां। आभारी हैं हम अपने इलेक्ट्रिशियंस गजराज भाई जी का, जो जितनी देर लेक्चर चलते हैं या प्रोग्राम्स होते रहते हैं वहीं बैठे रहते हैं कुर्सी डाल के, कि हम लोगों को कोई असुविधा ना हो, लाइट कहीं बंद नहीं हो, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे अशोक भाई जी का, कितनी देर से लगे हैं आप लोगों का सुंदर सुंदर तस्वीरें निकाल रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं, ये सब आप तक पहुँचेंगी और आप लोग देखेंगे कि आप लोग पहले क्या थे और अभी क्या होके जा रहे हैं यहाँ से। धन्यवाद हमारे सुमेर भाई जी का, जो इतना अच्छा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये कैसेट भी आपको दिया है। 2000 तालियां हो जाए इनके लिए। कहते ना, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे,
एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। सबका धन्यवाद, सब स्वस्थ रहे, सब अच्छे रहे। जिनका हम भूल गए हैं उनका भी धन्यवाद, और कामना जी का तो विशेष धन्यवाद, उन्होंने इतना अच्छा मंच संचालन किया, कैंप संभाला है। धन्यवाद सबका।